हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं और अनदर टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फ्रॉम द वर्ड प्रोजेक्टाइल हमें ये समझ में आता है कि प्रोजेक्टाइल में एक ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट सम डायरेक्शन। तो हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट को। ये हमारी एक सरफेस है, इस सरफेस से हमने एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर सरफेस पर प्लेस्ड इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में टारगेट किया या प्रोजेक्ट किया। तो इसको जो हमने यहाँ प्रोजेक्ट किया तो बेस से सरफेस से लेकर इस प्रोजेक्शन का जो एंगल है दैट इज़ एंगल थीटा, मींस ये एंगल इस ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शन की डायरेक्शन है। जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो इस ऑब्जेक्ट पे हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पुल या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल करती हुई इस पॉइंट पर पहुंची, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है उस ऑब्जेक्ट का अपने ट्रेजेक्टरी में या अपने पाथ में। तो इस हाईएस्ट पॉइंट पर जो अपवर्ड मोशन अपवर्ड वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है और इस टाइम पर हमें ऐसा फील होता है कि ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए उस जगह पर ही रुक गई है, बट अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करती है और ये ऑब्जेक्ट फाइनली नीचे की तरफ आके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से गिर जाती है ज़मीन पर। तो इसी पूरे प्रोसेस को मोशन बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस कंडीशन में हम हमेशा जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी को हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं, लेकिन इस केस में इनिशियल वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एट एनी पॉइंट। सो लेट्स सी सम मोर पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक। जब ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करती है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू होता है। ये ऑब्जेक्ट को जब हमने ऊपर फेंका तो ये वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है, और जब हाईएस्ट पॉइंट पर हमारी ऑब्जेक्ट आ जाती है तो उस हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट कि वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो होना मतलब वो ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए वहाँ पर स्टैटिक हो जाएगी, मतलब उस हाइट से ज़्यादा ये ऑब्जेक्ट अब ट्रैवल नहीं कर सकती। तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो अब काम करना स्टार्ट कर देती है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जब काम कर रही है तो ऑब्जेक्ट को यहाँ मूव करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करना स्टार्ट कर देती है, और हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही है इसीलिए ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल करती है।